सूफा यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी में इजाफा करके पाकिस्तान का नाम बैन अल-अक़वामी सतह पर रोशन किया है। इस प्रोजेक्ट में सोलर हवा और घरेलू बिजली को मद्देनजर रखकर ऐसा इन्वर्टर ऐजाद किया है जो जरूरत के मुताबिक तीनों सब्जेक्ट को उतनी ही लाइट फराहम करेगा जितनी जरूरत इस्तेमाल में होगी। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ट्रेनर का नाम दिया गया है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पहले नंबर पर और श्रीलंका में टॉप 10 इंटरनेशनल लेवल में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को अपनी टीम वर्क के साथ अंजाम तक पहुंचाया है दानिश ने, जिनका कहना है कि उस्तादों की मदद के बगैर प्रोजेक्ट मुमकिन न था। इसका क्रेडिट सबसे पहले तो हम अपनी डीएचए सुफा यूनिवर्सिटी को देना चाहेंगे जिनकी एफर्ट्स थी हम लोग यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद स्पेशली तौर पर हम लोग अपने जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से हम लोग जो भी अंजाम यहाँ पे खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े। इस प्रोजेक्ट के हवाले से डॉक्टर इम्तियाज हुसैन एचओडी सूफा यूनिवर्सिटी ने कहा कि IEEE के प्लेटफॉर्म पे वो श्रीलंका गए वहाँ प्रेजेंट करने के लिए और उन्होंने वहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया और वहाँ पे भी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड टॉप 10 में आए। इस हवाले से इंडस्ट्रियलिस्ट का कहना था कि यूनिवर्सिटी के तलबा और इंडस्ट्रीज में एक ब्रिज कायम होना चाहिए क्योंकि जो स्किल्स इंडस्ट्रीज को चाहिए वो तलबा में मौजूद नहीं होते जिसके लिए जॉब्स में मुश्किलात होती हैं। एवरी यूनिवर्सिटी अगर ये काम कर ले कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के दरमियान ब्रिज करने का कोई सेशन कर ले। आज जो चीज़ें बात हुई हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनको जॉब क्यों नहीं मिलती। मुश्किलात का सामना इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर वो स्किल सेट ही नहीं है जो इंडस्ट्री इस वक्त डिमांड कर रही। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ सज्जाद अली 24 न्यूज़ कराची।